हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो हम लोग आज की वीडियो में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो कि लास्ट ईयर के एग्जाम में आया हुआ समय मार्च 2023 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले। जैसा कि आपको पता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो रहता है पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके ऑप्शन में भी होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का ही सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज मार्च 2023 का पेपर आप लोग देख सकते हो। यदि आपके पास पेपर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पेपर नहीं है तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा। तभी सम में क्या लिखा हुआ मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ। एक बार हम लोग सम को देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पर सम में, राजेश सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। राजेश ने गुड्स कैसे सोल्ड किया, क्रेडिट में, क्रेडिट मीन्स उधारी में सोल्ड किया। आगे लिखा है टू सोल्यूशन फॉर 25,000, कितने में बेचा, 25,000 में गुड्स को उसने सोल्ड कर दिया। राजेश ड्रॉ अ बिल फॉर 25,000 ऑन सोल्यूशन फॉर 3 मंथ्स। सोल्यूशन के लिए राजेश ने क्या किया, बिल ड्रॉ किया, कितने का, 25,000 का फॉर 3 मंथ्स का। राजेश कौन, अभी यहाँ पर राजेश ने गुड्स बेच दिया तो राजेश कौन हो गया, ड्रॉअर हो गया, और यहाँ पर सोल्यूशन कौन हो जाएगा, ड्रॉई हो जाएगा। राजेश ने ड्रॉ किया बिल तो ये ड्रॉअर हो गया, बिल कितने का, 3 मंथ्स के लिए। अभी बिल ड्रॉ करके हम लोग देंगे तो बिल को सामने वाला ड्रॉई क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करके बिल का बिल रिटर्न देगा। तो बिल रिटर्न किसके पास आ जाएगा, ड्रॉअर के पास आ जाएगा। और ड्रॉअर इस बिल का कोई भी 3 मेथड यूज कर सकता है। ड्रॉअर इस बिल का क्या कर सकता है, कोई भी 4 मेथड एक्चुअली में होता है, ठीक है। या तो वो रिटेन करके रख सकता है बिल को, या बिल को डिस्काउंटेड विद बैंक के साथ डिस्काउंट करा सकता है, या बिल को इंडोर्स कर सकता है, या बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए दे सकता है। तो चारों में से कोई भी एक मेथड क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। हाँ, इंडोर्समेंट बताया ना, बिल को या तो रिटेन करके रख सकता है, या बिल को डिस्काउंटेड विद बैंक कर सकता है, या इंडोर्स कर सकता है, बैंक फॉर कलेक्शन के लिए दे सकता है। तो चारों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकता है। तो जो भी मेथड यूज करेगा वो सब में आपको मेंशन किया हुआ रहेगा। आगे यहाँ पे लिखा है राजेश डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंक। राजेश ने बिल को क्या किया, डिस्काउंट कराया, किसके साथ, बैंक में, एट द रेट 10% पर एनम, किसके 10% पर एनम के हिसाब से। ऑन द सेम डे, जिस दिन उसके पास बिल आया ना, उसी दिन राजेश ने जाके क्या कर दिया, बिल को बैंक में डिस्काउंट करा दिया, कैसे, 10% पर एनम के हिसाब से। ऑन द ड्यू डेट द बिल सोल्यूशन रिक्वेस्ट राजेश टू एक्सेप्ट द 5,000 इंक्लूडिंग 1,000 फॉर इंटरेस्ट एंड ड्रॉ अ बिल फॉर बैलेंस। क्या दिया यहाँ पर, जाके जो सोल्यूशन था, मतलब जो ड्रॉ था ना, वो रिक्वेस्ट किया कि आप 5,000 रुपये कैश ले लो विथ इंटरेस्ट के साथ, और एक नया बिल बना दो। इसका मतलब होता कि पुराना वाला बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। क्या हो गया, जब भी नए बिल की बात करेगा या आगे नया बिल बनाने की बात करेगा या पूरा अमाउंट का पेमेंट नहीं किया, तो समझ जाने का कि पुराना जो पुराना वाला बिल था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। उसने मतलब पुराने वाले बिल का पैसा नहीं दे पाया, तो उसमें से सिर्फ वो क्या कर रहा है, पार्ट पेमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, पार्ट पेमेंट, मतलब कुछ अमाउंट वो क्या कर रहा है, पे कर रहा है। बैलेंस का उसने क्या बोल रहा है, नया बिल ड्रॉ करना है, और इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब ड्रॉवर ने उससे क्या चार्ज किया है, इंटरेस्ट भी चार्ज किया है। तो मैंने लास्ट टाइम जो एंट्री लिखा दिया था, सब एंट्री उसी बेस पे रहेगा, एक भी एक्स्ट्रा एंट्री नहीं आएगा। बस आपको यहाँ पे देखना क्या है, आगे देखो क्या लिखा है, राजेश एग्री टू प्रपोजल। राजेश ने क्या कर दिया, एग्री हो गया। जब उसने रिक्वेस्ट किया ना नया बिल बनाने के लिए, तो जो ड्रॉवर था वो क्या हो गया, एग्री हो गया, बोला ठीक है मैं ऐसा कर देता हूँ। 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट सोल्यूशन रिटायर द बिल, बोलता कि जो 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट से 1 महीने पहले सोल्यूशन ने रिटायर कर दिया। रिटायर मतलब समय से पहले पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया, समय से पहले पेमेंट कर दिया, पेमेंट बिफोर ड्यू डेट। कितना पेमेंट किया उसने, 20,200 रुपये क्या कर दिया, पे कर दिया। लिखा पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राजेश, आपको राजेश की बुक में जनरल एंट्री पास करना। राजेश मतलब कौन, ड्रॉवर की बुक में जनरल एंट्री पास करना है यहाँ पर। चलो अभी हम लोग जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना के इन द बुक्स ऑफ हम लोग ड्रॉवर की एंट्री पास करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक क्या करता हूँ, इसके छोटा सा जो जो लिखा था उसको मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एंट्री कैसे बनेगा। तो देखो उसने क्या लिखा था, राजेश ने गुड्स चेंज सोल्ड किया, किसको, सोल्यूशन को। तो राजेश ने सोल्ड किया सोल्यूशन को, गुड्स सोल्ड किया, तो एक एंट्री हमारा किसका आ जाएगा, सेल्स का।
फिर इसने क्या किया रहेगा, प्रॉमिस किया रहेगा, क्या किया रहेगा, प्रॉमिस किया रहेगा। तभी प्रॉमिस किया तो राजेश ने बिल ड्रॉ करके दिया रहेगा। राजेश क्या क्या करेगा, बिल ड्रॉ करके देगा सोलुचन को। सोलुचन इसके क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करके बिल किसको दे देगा, राजेश को। अभी राजेश के पास बिल आ गया तो राजेश इस बिल को कोई भी चार मेथड यूज कर सकता है। कितना मेथड यूज कर सकता है, मतलब राजेश के पास जो बिल आया, इस बिल का कोई भी चार मेथड वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। या तो बिल को अपने पास रिटर्न करके रख सकता है, बिल को बैंक में डिस्काउंट करा सकता है, बिल को इंडोर्स कर सकता है बैंक फॉर कलेक्शन के लिए। तो आपको क्वेश्चन में लिखा है कि बिल को उसने क्या कराया, डिस्काउंट कराया। उसने क्या किया, बिल को, बिल डिस्काउंटेड विथ उसने बिल को बैंक के साथ क्या कर दिया, डिस्काउंट करा दिया। बिल को क्या कर दिया उसने, बैंक के साथ डिस्काउंट करा दिया। अभी बिल को बैंक को दे दिया तो अभी ड्यू डेट के दिन या तो बिल ऑनर होगा या तो बिल क्या होगा, डिसऑनर होगा। तो सब में लिखा था उसने रिक्वेस्ट किया नया बिल बनाने के लिए। इसका मतलब होता है कि जब नए बिल की बात कर रहा, पुराना वाला बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो यहाँ पे पुराने वाला बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो गया। यहाँ पर जब डिसऑनर होगा तो नोटिस चार्जेस लग सकता है, ठीक है। नोटिस चार्जेस यदि समय आपको दिया रहेगा कि ऐसा नोटिस चार्जेस है तो नोटिस चार्जेस लग जाएगा, अदरवाइज फिर भी चार्जेस नहीं लगता। जब समय मेंशन करेगा तो ही लेने का, अदरवाइज नहीं लेने का, ठीक है। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं, नोटिंग चार्जेस की बात कर रहा होगा या नोटरी की तो बात कर रहा होगा, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बिल की बात कर रहे हैं। तो बिल क्या होगा, यहाँ पे डिसऑनर हो गया। जब बिल डिसऑनर होगा तो सामने वाला जो ड्रॉवर रहेगा वो क्या करेगा, सामने वाले से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। किसका इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री पास करेंगे। फिर पार्ट पेमेंट रिसीव का, पार्ट पेमेंट रिसीव मतलब सामने वाला कुछ अमाउंट क्या करेगा, पे करेगा, तो उसे हम लोग पार्ट पेमेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद न्यू बिल ड्रॉ करेगा, क्या करेंगे, न्यू बिल ड्रॉ किया। अभी ये न्यू बिल वापस से उसका कोई मेथड यूज कर सकता है या बिल को डायरेक्टली ऑनर डिसऑनर कर सकता है। तो इसने समय बोला था, बिल को उसने कुछ नहीं किया था और बिल ड्यू डेट से पहले रिटायर हो गया, मतलब समय से पहले पेमेंट हो गया। तो यहाँ पर बिल क्या हो गया, रिटायर हो गया। बिल क्या हो गया, रिटायर्ड हो गया। अभी ये सब का जनरल एंट्री हम लोग को पास करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जनरल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ कर देता हूँ, साथ में आप लोग भी ड्रॉ कर लो। यहाँ पर पर्टिकुलर आ जाएगा, LF रहेगा, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। जनरल एंट्रीज, यदि आपको सब में डेट दिया रहेगा तो डेट लिखने का, अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ सीरियल नंबर लिख देने का, सीरियल नंबर से भी काम हो जाएगा यहाँ पर। अभी हम लोग एंट्री यहाँ पर पास करते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या किया, राजेश ने गुड्स सोल्ड किया, किसको सेंड किया, सुलोचना को। किसको गुड्स सोल्ड किया उसने, सुलोचना को, ठीक है। हाँ, राजेश सोल्ड गुड्स टू सुलोचना। अभी इसने सुलोचना को गुड्स बेचा, ठीक है, सुलोचना ही है ना। हाँ, अभी सुलोचना को गुड्स बेचा तो सुलोचना ने पैसा दिया क्या, नहीं, सुलोचना ने पैसा नहीं दिया। तो उसे क्या करने का, डेबिट करने का। उसे क्या करने का, डेबिट करने का, क्योंकि ड्रॉई ने पेमेंट नहीं किया तो ड्रॉई को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो सुलोचना अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। कितने का गुड्स बेचा उसने, 25,000। कितना अमाउंट दिया था, 25,000। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 25,000। हमेशा ये सेल का एंट्री फिक्स ही आएगा, ठीक है। जब भी सेल्स आपको दिया रहेगा एग्जाम में यही एंट्री लिख देने का, ठीक है। हमेशा ये फिक्स रहेगा एंट्री, सेल्स का एंट्री हमेशा क्या रहेगा, ये फिक्स रहेगा। दूसरा, अभी हम लोग ने गुड्स उधारी में बेचा तो उसने बिल का पैसा, अमाउंट पैसा दिया नहीं,
तो ड्रॉवर क्या करता है, बिल ड्रॉ करके देता है, ड्रॉवर उसे क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो ड्रॉवर क्या क्या रहेगा, बिल ड्रॉ करके दिया रहेगा, ड्रॉवर उस बिल को एक्सेप्ट करके रिटर्न किसको देगा, ड्रॉवर को देगा, ठीक है। तो दूसरा यहां पर आ जाएगा बिल्स एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवर, बिल कौन एक्सेप्ट करेगा, ड्रॉवर बिल एक्सेप्ट करके किसको देगा, ड्रॉवर को देगा। तो मैंने रूल बताया था, बिल आया तो डेबिट करने का, बिल गया तो क्रेडिट करने का, ठीक है, बिल लेने वाले को डेबिट करने का, बिल देने वाले को क्रेडिट करने का। अभी ड्रॉवर बिल मुझे दे रहा था, हमारे पास बिल आ रहा कि जा रहा है, आ रहा तो उसे क्या करने का, डेबिट करने का ना, बिल आया तो डेबिट करने का। इस बिल को ड्रॉवर क्या बोलता है, बिल्स रिसीवेबल, क्या बोलता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। किसने बिल दिया, सुलोचना ने दिया, किसने दिया, मतलब ड्रॉवर ने दिया, तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितना अमाउंट है, 25,000, सेम अमाउंट रहेगा जब तक तो कोई चेंजेस नहीं बोला रहेगा। आप लोग पहले फॉर्मेट ड्रॉ किससे कॉपी करो, फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर बिल्स आ गया, तो हम लोग बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सुलोचना अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि सुलोचना ने हम लोग को क्या दिया, बिल दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर थर्ड हम लोग देखते हैं, अभी बिल किसके पास आ गया है, ड्रॉवर के पास आ गया। तो ड्रॉवर इस बिल का कोई भी दो यूज कर सकता है, ड्रॉवर इस बिल को क्या कर सकता है, कोई भी दो, सॉरी कोई भी चार यूज कर सकता है, ठीक है। हाँ, या तो बिल को रिटेन कर सकता है, या बिल को डिस्काउंट करा सकता है, या बिल को इंडोर्स कर सकता है, या बिल को सेंड फॉर कलेक्शन कर सकता है। तो अभी इसने बिल को क्या किया है, बैंक में डिस्काउंट करा है, क्या करा है, बैंक में डिस्काउंट। तो मैंने आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताया था कि पहले मैं लिख देता हूं, बिल डिस्काउंटेड विथ तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो भी मेथड यूज करेगा उसे क्या करने का, डेबिट करने का। जो भी मेथड यूज करेगा उसे क्या करने का, डेबिट करने का। उसने बैंक के साथ डिस्काउंट कराया तो बैंक अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ए यहाँ पर इंडोर्स करता तो इंडोर्सी को डेबिट कर देते हैं, ए बैंक फॉर कलेक्शन के लिए देता तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तभी इसने बिल को क्या किया था, बिल को डिस्काउंट कराया किसके साथ, विथ बैंक के साथ। कहाँ पे डिस्काउंट कराया, बैंक के साथ डिस्काउंट कराया, ठीक है। इसमें हम लोग जिसके साथ डिस्काउंट कराएगा उसे हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट। जैसे यहाँ पे बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट कराया तो डिस्काउंट हमारे लिए लॉस होता था, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और हम लोग बिल बैंक को दिया, मतलब हमारे पास से क्या जा रहा है, बिल जा रहा है, बिल गया तो बिल्स रिसीवेबल को क्या कर देने का, क्रेडिट कर देने का। बिल गया तो बिल्स रिसीवेबल को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, टू बिल्स रिसीवेबल। अभी यहां पे देखो हमारे पास से बिल कितने का गया, 25,000 का। अभी 25,000 के बिल का हम लोग डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्काउंट कैसे निकालने का। देखो सब में बोला कितना परसेंट डिस्काउंट रहेगा, तो उसने बोला था कि राजेश डिस्काउंटेड द बिल विथ इज बैंक 10% ऑन द सेम डे। तो बिल कितने महीने का था, 3 महीने का। कितने का महीने का था, 3 मंथ्स का। तो 10% डिस्काउंट आएगा लेकिन 3 मंथ्स का आएगा, कितने मंथ्स का आएगा, 3। तो इंटू 3 करने का, डिवाइड बाई 12 कर देने का। तो अभी 10% है तो 10% नहीं लिखना, तो 10 डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100। तो 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, 3 4 12 होता है। अभी 250 को 12 से डिवाइड कर दो, देखो कितना आता है डिस्काउंट का अमाउंट, कितना आता है, 1 मिनट, ये कितना मैंने कट किया यहाँ पर, हाँ पहले इसका इसके साथ इंटू हो जाएगा। तो 2500 को डिवाइड बाई 4 करो, 2500 को डिवाइड करो 4 से, तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। तो हमारा डिस्काउंट आ जाएगा 625। तो यहाँ पर जाएंगे डिस्काउंट के सामने 625 लिख देंगे। अभी बैंक को बिल दिया मैंने 25,000 का और बैंक मुझे दिया 625 रुपये। तो मुझे मेरे पास क्या, सॉरी बैंक ने 25,000 के बिल में 625 रुपये डिडक्ट कर लिया, कट कर लिया, तो हम लोग के पास कितना पैसा आया, हाँ तो 25,000 में से 625 माइनस कर देना, कितना जाएगा, 24,000
24,375 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 625 है, तो 24,300 क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, अभी बिल तो हमने डिस्काउंट करा दिया, ड्यू डेट के दिन बैंक जाएगा और बोलेगा ड्रॉइंग से कि बिल का पैसा मुझे दे दो। बैंक ने बिल का पैसा दे दिया तो काम खत्म हो गया, यदि नहीं दिया तो आगे क्वेश्चन और बढ़ेगा, ठीक है। इस समय क्या लिखा है ना, बैंक ने बिल का पैसा नहीं दिया, क्योंकि आगे प्रोसेस दिया कि उसने पार्ट पेमेंट किया, नया बिल बनाया, इसका मतलब बिल का पैसा नहीं मिला, मतलब बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, क्योंकि उसने आके रिक्वेस्ट किया कि पार्ट पेमेंट ले लो, नया बिल बना दो, इसका मतलब पुराने बिल का पैसा पूरा नहीं मिला। जब तक पुराने बिल का पूरा पैसा नहीं मिलेगा, मान के चलेंगे बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो यहाँ पर बिल डिसऑनर हो गया, और डिसऑनर बिल हुआ तो मैंने उसका एंट्री बताया था आपको, डिसऑनर बिल का मैंने बोला था, जब भी बिल डिसऑनर होगा ड्रॉई क्या होता है, डेबिट होता है। ड्रॉई को क्या करने का, जब भी बिल डिसऑनर होगा ड्रॉई क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो बिल डिसऑनर हो गया तो हम लोग किसको डेबिट कर देंगे, सुलोचना को, किसको डेबिट कर देंगे, सुलोचना अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। टू, क्रेडिट किसको करेंगे, अभी हम लोग ने जिसको बिल दे के रखे थे, ठीक है, हम लोग ने बिल किसको दे के रखा था, बैंक को, तो अभी किसको क्रेडिट करेंगे, हम लोग ने बैंक को दे के रखा था तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। ए इंडोर्सी को देके रखे रहते थे, इंडोर्सी को क्रेडिट करते हैं, अभी बैंक को देके रखे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अभी बिल कितने का था, 25,000 का, यदि सब में नोटिंग चार्जेस बोला रहेगा तो नोटिंग चार्जेस ऐड कर देने का, नहीं भी बोला रहेगा तो सेम अमाउंट लिख देने का, 25,000 यहाँ पर सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, चार हो गया यहाँ पर, फिफ्थ एंट्री। अभी यहाँ पर उसने बिल डिसऑनर कर दिया, डिसऑनर की एंट्री पास कर देंगे। अभी हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि अभी नेक्स्ट अमाउंट पेमेंट जो देने वाला है वो बाद में देने वाला है, तो इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस अमाउंट पे हम लोग निकालते हैं। बट आज के समय पहले से इंटरेस्ट हम लोग को क्या किया, निकाल के दिया, ठीक है। 4,000 का अमाउंट था, 5,000 उसने दिया हुआ है कि 4,000 पार्ट पेमेंट दिया और 1,000 इंटरेस्ट दिया, मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करके दिया समय। तो हम लोग इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री पास कर देंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट ड्यू का। तो अभी इंटरेस्ट जो रहता है ड्रॉवर के लिए क्या होता है, इनकम होता है, क्या होता है, इनकम। क्यों, क्योंकि इसको इंटरेस्ट मिलने वाला, तो इंटरेस्ट इसके लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, इंटरेस्ट मिलने वाला तो इनकम होगा, उसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे। और इंटरेस्ट किससे लेना है, ड्रॉई से लेना है, तो ड्रॉई अभी दे नहीं रहा है, बाकी आउटस्टैंडिंग का एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मतलब सुलोचना अकाउंट क्या हो जाएगा, ये डेबिट, सुलोचना अकाउंट डेबिट। टू, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कितना अमाउंट था यहाँ पर, इंटरेस्ट का सम में 1,000 कैलकुलेट करके दिया था, हम लोग यहाँ पर 1,000 और 1,000 लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पार्ट पेमेंट का एंट्री पास करेंगे, पार्ट पेमेंट रिसीप्ट का, पार्ट पेमेंट रिसीप्ट करेंगे। तो पार्ट पेमेंट रिसीव करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू, कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट किसको कर देंगे, ड्रॉई को, क्योंकि उसने पार्ट पेमेंट काउंट करने वाला हम लोग को ड्रॉई करेगा, तो ड्रॉई को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ड्रॉई का नाम क्या है, सुलोचना अकाउंट, तो सुलोचना अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सब में लिखा कि विथ इंटरेस्ट के साथ पेमेंट किया, कैसे किया, इंटरेस्ट के साथ, मतलब 4,000 रुपये उसने वो दिया था और शायद से 1,000 उसने इंटरेस्ट दिया था, ठीक है। देखो क्या लिखा था यहाँ पर, एक्सेप्ट 5,000 इंक्लूडिंग 1,000 इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब 5,000 के अंदर 1,000 इंटरेस्ट ऑलरेडी क्या है, इंक्लूड, मतलब बिल का उसने कितना दिया, सिर्फ और सिर्फ 4,000 दिया, कितना दिया, 4,000। अभी भी बाकी कितना है, 25,000 में से उसने बिल का 4,000 दिया, तो 21,000 बाकी है ना, तो नया बिल कितने का बनेगा, 21,000 का। तो न्यू बिल एक्सेप्ट करेंगे, तो न्यू बिल एक्सेप्टेड बाई सुलोचना, 21,000 को नया बिल एक्सेप्ट करके देखिए तो हमारे पास क्या आएगा, बिल आएगा, बिल आए तो बिल से रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हमारे पास बिल आएगा तो बिल से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा,
टू सुलोचना अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना अमाउंट आया बिल का? 21,000 का नया बिल। अभी ड्यू डेट के दिन ये बिल ऑनर हो सकता है या क्या हो सकता है, डिसऑनर हो सकता है। लेकिन सब में लिखा कि बिल रिटायर्ड हो गया, रिटायर मतलब समय से पहले पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया? समय से पहले पेमेंट हो गया, ठीक है। तो रिटायर का एंट्री फिक्स है, जब भी रिटायर वर्ड आया ये एंट्री लिख देने का, ठीक है। रिटायर्ड बिल आया तो यही फिक्स एंट्री है, वो समय से पहले बिल का पैसा दे देगा। तो हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। तो कैश आएगा तो कैश बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट कर देते हैं और सामने वाले का बिल उसको हम लोग रिटर्न दे देंगे। तो बिल्स रिसीवेबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, जब हम लोग को सामने वाला समय से पहले पैसा देता है ना, तो उसको हम लोग खुश होकर कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। मतलब ड्रॉवर क्या करता है, ड्रॉई को डिस्काउंट दे देता है। तो हम लोग को मिलना कितना था इससे? 21,000। तो सब में लिखा उसने रिटायर ऑफ बिल में कितना अमाउंट पे किया? 20,200 पेमेंट किया। कितना किया? 20,200 पेमेंट किया। तो उसने पेमेंट कितना नहीं किया? 800, ठीक है। तो हमारे पास कैश कितना जाएगा? 20,200 आएगा। 800 रुपये नहीं पेमेंट किया तो 800 का हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट दिया, मतलब उसको हम लोग यहाँ पर रिबेट वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, ड्रॉवर के बुक में उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिबेट। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रिबेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे लिए लॉस हुआ, लॉस को हम लोग रिबेट बोलते हैं। क्योंकि समय से पहले पे किया इसलिए हम लोग उसे रिबेट बोलते हैं। कितना अमाउंट आ जाएगा? 800 रुपये डेबिट में आ जाएगा। बाद में इसका टोटल मार देने का, जल्दी से इसे कॉपी कर लो, कंप्लीट हो गया सम, ठीक है।